मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय हमारा उत्तर प्रदेश पाठ 6 है वन संपदा। धरती पर अनेक प्रकार के झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, पौधे उगते हैं। जो अपने आप उगते हैं पेड़ पौधे, वो हमारी वनस्पति यानी वन संपदा है। यहाँ पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। इसमें प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उसकी जो क्षेत्र है इसका 1725,000 हेक्टेयर भूमि पर ये वन हैं। इसमें मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें नंबर एक तराई के वन, जो तराई के वन हैं तो ये हमारे सहारनपुर लखीमपुर में अन्य ज़िलों में हैं। इसमें जो पेड़ उगते हैं यहाँ पे साल, साखू, सागौन, शीशम, बांस, बैत, खैर पेड़ आदि, इस प्रकार के पेड़ हैं और भी। अब इसमें जो वन में रहते हैं पशु, उसमें अनेक प्रकार के पशु रहते हैं, जैसे हाथी है, बाघ है, तेंदुआ, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण, ये हमारे इसमें वनों में रहते हैं। इनका वास वनों में ही रहता है और अनेक प्रकार के पक्षी भी पेड़ों पर रहते हैं, वहीं पर अपना घर बनाते हैं। अब देखिए नंबर दो मैदानी वन। जो मैदानी वन है तो ये अपना जो क्षेत्र आता है, मेरठ है, आगरा है, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, इसमें जो पेड़ उगते हैं आम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, महुआ, पलाश, नीम, शीशम, खैर, बबूल, तेंदू, तेंदू नाम का भी पेड़ होता है, बांस, गुलर और हल्दू आदि प्रकार के पेड़ यहाँ पे उगते हैं। ये हमारी क्या है, वन संपदा। नंबर तीन पठारी भाग के वन। जो पठारी भाग में अपने वन हैं तो इसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, विंध्याचल, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, इसमें जो प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो इसमें बबूल है, बेर है, तेंदू है, बांस आदि प्रकार के वन उगते हैं। वनों का महत्व, अब वन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें वनों में पहले ऋषि मुनि बैठकर वहीं उनके आश्रम होते थे वनों में, और वनों में हमें नाना प्रकार की औषधि प्राप्त होती हैं। इसमें अनेक प्रकार के ऋषि मुनि ने बैठकर यहाँ पर तपस्या की है। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वन से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और इनसे मकान के बनाने में भी काम में ये लकड़ियाँ आती हैं, जो इमारती होती हैं। और वन संरक्षण, वनों को संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पेड़ पौधे काटे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और अगर पेड़ कट रहे हैं तो उसके स्थान पर और पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, जिससे कि हमारा जो जहरीली गैस आती है इन्हें भी वन रोकती हैं, और वन वर्षा में भी
काम आते हैं। वनों से बाढ़ की भी रोकथाम होती है, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर कटान कम होता है। अब वृक्ष हमारे जीवन साथी, वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं, इसमें वृक्ष हमारे जीवन साथी, वृक्षों की हम पूजा करते हैं, और ये जैसे पीपल का वृक्ष है इसकी पूजा भी करते हैं, और ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसमें और भी है, तुलसी के पौधा है, आंवला है, नीम है और नींबू है, ये हमें औषधि के रूप में प्रदान हैं। इसमें इनकी पेड़ों की, कुछ पेड़ों की पूजा भी की जाती है, और आम का जैसे वृक्ष है तो ये भी पूजा के काम में आता है, इनके पत्ते हम रखते हैं। और औषधि का प्रयोग, जिसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ होती हैं, इसमें तुलसी, नीम, आंवला, नींबू आदि, ये हमारी औषधियाँ के प्रयोग, और भी पेड़ों से और अन्य प्रकार की भी औषधि प्राप्त होती हैं। अब ये पर्यावरण संरक्षण, हमें पेड़ पौधों का रक्षा, यानी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका कटाव कम करना चाहिए। अगर कटाव कर भी रहे हैं तो हमें उनकी जगह और पेड़ लगा देने चाहिए, क्योंकि ये हमारे अनेक प्रकार के कार्यों में काम में आते हैं। जैसे मकान बनाने के काम में आती हैं लकड़ियाँ, ईंधन के काम में आती हैं, और औषधियों के काम में आते हैं, अनेक प्रकार के काम में ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये हमारे जीवन साथी हैं। अधिक वृक्ष लगाएं और पानी कम खर्च करें, अत्यधिक पानी खर्च नहीं करें, और जो कूड़ा करकट है वो कूड़ेदान में डालें, पर्यावरण को हम शुद्ध करें, तभी हमारा ये वन हमारे जीवित रहेंगे, यानी पेड़ पौधे हमारे, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो, उनका संरक्षण हो सकता है। धन्यवाद।